मार्च 1972 की बात है। यूएस में महज 14 साल के बच्चे ने एक कत्ल किया था। उसने बेरहमी से अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे की जान ले ली थी। जब मामले की जांच शुरू हुई तो बच्चे ने चौंका देने वाला खुलासा किया। उसके कबूलनामे के मुताबिक उसने हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर हत्या की थी। उस फिल्म का नाम था ए क्लॉकवर्क ऑरेंज। That is Alex, and my three drove a milk bar trying to make up our razoo dog. The ultra violence. ये इकलौता मामला नहीं था जब इस फिल्म का नाम किसी हत्या में इस्तेमाल किया गया था। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग आदमी की हत्या हुई, जिसमें 16 साल के हत्यारे ने बताया कि उसने भी फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज देखने के बाद हत्या का मन बनाया था। वहीं इस फिल्म के गाने को ब्रूटल रेप के दौरान भी गाया गया था। 1971 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज भयावह हिंसक सीन, रेप और न्यूडिटी से पहले ही सुर्खियों में थी। कई देशों में फिल्म को एक्स रेटिंग तो कहीं सी रेटिंग दी गई थी। हत्या के मामले बढ़ते गए और फिल्म बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक को धमकियाँ मिलने लगीं। यह अपनी तरह का इकलौता मामला रहा जब फिल्म के डायरेक्टर ने खुद वार्नर ब्रदर्स को खत लिखकर फिल्म को ब्रिटेन में रिलीज होने से रुकवाया था। हालांकि 27 साल बाद डायरेक्टर की मौत के बाद फिल्म से बैन हटा दिया गया। इसी तरह फिल्म स्पेन, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, माल्टा समेत कई देशों में सालों तक बैन रही। हैरानी की बात यह है कि विवादों के बावजूद फिल्म ने 70 के दशक में करीबन $114 मिलियन यानी कि 954 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। आज के क्राइम कवरेज में हम आपको कई कत्ल की जिम्मेदार और 4 ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन हासिल करने वाली इस फिल्म को के बनने और इससे जुड़े विवादों की कहानी बताएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। साल 1962 में मशहूर राइटर एंथनी वर्गेस की नॉवल अ क्लॉकवर्क ऑरेंज पब्लिश हुई थी। ये नॉवल ऐसे युद्ध की कहानी को दर्शाती है जो हिंसक है। हिस्टोरिकल ब्लैक कॉमेडी और तनाव पैदा करने वाली ये नॉवल काफ़ी चर्चित रही थी, जिसे आज भी टाइम्स मैगजीन की 20 सबसे बड़ी बेहतरीन नॉवल में शामिल किया गया है। 1962 में नॉवल पब्लिकेशन के ठीक बाद राइटर एंथनी वर्गेस ने फिल्म के राइट्स $500 में बेचे थे, जिसकी मौजूदा समय में वैल्यू $5,000 यानी कि 4,18,000 रुपये है। शुरुआत में फिल्म में मशहूर रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन की कास्टिंग की जाने वाली थी। बैंड के लीड सिंगर मिक जैगर ने फिल्म में एलेक्स का लीड रोल निभाने में दिलचस्पी दिखाई थी। वहीं मशहूर फिल्म मेकर केन रसेल फिल्म के डायरेक्टर बने थे। हालांकि समय के साथ BBFC यानी कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन की मदद से फिल्म के राइट्स स्टैनली कुब्रिक को मिल गए। शुरुआत में नॉवल राइटर टेरी सदर्न ने नॉवल ए क्लॉकवर्क ऑरेंज स्टैनली कुब्रिक को भेजी थी। स्टैनली उस समय दूसरी फिल्म में व्यस्त थे, ऐसे में उन्होंने नॉवल को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने वो नॉवल पढ़ी और वो कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने पति स्टैनली को उसे पढ़ने की सलाह दी। जब स्टैनली ने कहानी पढ़ी तो उन्हें भी वो बेहद पसंद आई। उन्होंने खुद चंद बदलाव के साथ फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया और फिल्म बनानी शुरू कर दी। 1968 में फिल्म बननी शुरू हुई और डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक इस फिल्म में इंटेंस लीड रोल निभाने के लिए एक्टर की तलाश करने लगे। इसी बीच उन्होंने 1968 में रिलीज हुई ब्रिटिश हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म इफ देखी। उन्हें इस फिल्म के लीड एक्टर मेलकम मैकडॉवेल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज में एलेक्स के किरदार में उन्हें कास्ट कर लिया। बतौर साइड एक्टर काम करने वाले मेलकम मैकडॉवेल ने फिल्म इफ से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था। इसके बाद वो 2 और फिल्मों में नजर आए, हालांकि तब तक उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली थी। मेलकम मैकडॉवेल की कास्टिंग पर डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक ने कहा था कि वो स्क्रीन पर इंटेलिजेंस लाएंगे। फिल्म में क्रिमिनल गैंग का लुक तैयार करने के लिए एक्टर मेलकम की अहम भूमिका रही। उन्होंने डायरेक्टर स्टैनली को अपने पास रखी क्रिकेट ड्रेस दिखाई। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सिर्फ रे क्रिमिनल्स के किरदार को बखूबी दिखाने के लिए
क्रिकेट ड्रेस के अंदर पहने जाने वाले वेस्ट बैंड जैसे जॉक स्ट्रैप्स को पैंट के अंदर की बजाय बाहर पहना जाए। डायरेक्टर स्टैनली को मेलकम का आइडिया काफ़ी पसंद आया और उन्होंने फिल्म के क्रिमिनल गैंग की ड्रेस उनके कहे अनुसार तय की। चंद दिन शूटिंग को हुए थे कि लीड एक्टर मेलकम ने अपनी आंखों की कॉर्निया को खरोंच दिया, जिससे उन्हें देखने में दिक्कत होने लगी। समय के साथ उनका अंधापन बढ़ने लगा, जिससे शूटिंग में दिक्कत होने लगी। एक्टर मेलकम की कंडीशन बिगड़ने के चलते फिल्म के एक सीन में असल डॉक्टर रखे गए थे। स्क्रिप्ट के अनुसार जेल से निकलने के बाद एलेक्स के साथ एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स कुछ इक्विपमेंट की मदद से एलेक्स की आँखें खोल कर रखते हैं और उसे फिल्म में दिखाते हुए उसकी आँखों में स्लाइन डालते हैं। इस सीन की शूटिंग के दौरान एक्टर मेलकम की आँखों में असली स्लाइन डाला गया था, जिसके लिए असली डॉक्टर्स इस्तेमाल किए गए थे। इस दौरान मेलकम मैकडॉल की आँखों की रोशनी भी चली गई थी। फिल्म में एलेक्स के साथ मंच पर होती बर्बरता दिखाई गई थी। इसे असल में दिखाने के लिए एलेक्स के को एक्टर ने उन्हें इस कदर मारा कि उनकी कई पसलियां टूट गई थी। 60 के दशक में जब फिल्म बनना शुरू हुई, उस दौर में स्पेशल इफ़ेक्ट्स की कमी थी। ऐसे में फिल्म मेकर ने एलेक्स को ऊंचाई से ज़मीन पर गिरते दिखाने और न्यू पॉइंट लेने के लिए असल में कैमरा फेंका था। हैरानी की बात ये थी कि 6 टेक्स तक भी कैमरा नहीं टूटा था। BBFC से पास होने के बाद फिल्म को 19 दिसंबर 1971 में सबसे पहले न्यूयॉर्क में रिलीज़ किया गया था, जहां फिल्म को क्रिटिक्स के मिले जुले रिव्यू मिले थे। इसके बाद फिल्म को UK, US में एक एक महीने के अंतराल में रिलीज़ किया गया था। 1972 में जब फिल्म को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ किया जाना था, तो फिल्म के सेक्सुअल कंटेंट के चलते इसे एक्स रेटिंग दी गई थी। हालांकि आइडियल लिमिट के चलते डायरेक्टर स्टैनली कुरूबिक इससे नाखुश थे। उन्होंने फिल्म को आर रेटिंग दिलाने के लिए फिल्म में दिखाए गए 2 सीन से 30 सेकंड के सेक्सुअल सीन हटाए और फिल्म को री-रिलीज करवाया। फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। नेशनल कैथलिक ऑफिस फॉर मोशन पिक्चर ने फिल्म को सी रेटिंग दे दी। इस रेटिंग का मतलब रोमन कैथलिक्स इस फिल्म को ना देखने का सुझाव देते हैं। 1982 में ऑफिस ने फिल्म को ओ रेटिंग दी। इस फिल्म को लेकर उनका मतलब फिल्म का आक्रामक होना था। फिल्म को ब्रिटेन में रिलीज़ किया जाना था, हालांकि इससे पहले ही फिल्म का नाम कई हत्याओं से जुड़ गया। मार्च 1972 में 14 साल के बच्चे ने अपने क्लासमेट की हत्या करने के बाद कबूला कि उसने फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज देखने के बाद हत्या की थी। जांच में पाया गया कि फिल्म में दिखाई गई हत्या और उस केस में काफ़ी समानता थी। कुछ समय बाद इस तरह का दूसरा मामला सामने आया, जब 16 साल के लड़के ने फिल्म ए क्लॉकवर्क ऑरेंज के ओपनिंग सीन से प्रेरित होकर एक बुजुर्ग आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके दोस्त ने उसे फिल्म के बारे में बताया था, जिसे देखने के बाद उसने हूबहू वैसी ही हत्या की। कोर्ट में डिफेंस ने यह साबित भी कर दिया कि फिल्म का इन हत्याओं से सीधा संबंध है। हत्याओं के साथ ही सामने आया कि फिल्म का गाना सिंगिंग इन द रेन गाते हुए एक शख्स ने रेप किया है। उसने फिल्म की ही तरह रेप करते हुए वो गाना गाया था। विवादों के बीच डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की पत्नी क्रिस्टीना कुब्रिक ने बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। कई बार उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया था। विवाद बढ़ने के बाद डायरेक्टर स्टैनली ने खुद वार्नर ब्रदर्स से विनती कर ब्रिटेन में फिल्म रिलीज होने से रोक लगवा दी। ऐसे में करीब 27 सालों तक UK में भी फिल्म दिखाने पर रोक लगा दी गई। हालांकि 1999 में डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की मौत के बाद फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ किया गया। 10 अप्रैल 1973 में आयरलैंड में भी फिल्म को बैन कर दिया गया था और 13 दिसंबर 1999 को फिल्म को पास करा दिया गया और 17 मार्च 2000 को फिल्म को दोबारा रिलीज़ किया गया। जब फिल्म रिलीज़ होने के बाद आई तो सेंसर बोर्ड के हेड सिमंस स्मिथ को फिल्म के पोस्टर से आपत्ति थी, जिसमें अल्ट्रा वायलेंस और रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। बाद में फिल्म के पोस्टर में भी बदलाव किए गए। सिंगापुर में भी ये फिल्म 30 सालों तक बैन रही। 2006 में फिल्म से बैन हटाने की कोशिश की गई, हालांकि ये कोशिश नाकाम रही। सालों बाद 28 अक्टूबर 2011 को R21 रेटिंग के साथ फिल्म से बैन हटाया गया था। इसी के साथ साउथ अफ्रीका में भी फिल्म 13 सालों तक बैन रही। 1984 में फिल्म का एक अनकट वर्जन रिलीज़ हुआ, हालांकि 21 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ये फिल्म देखने की मनाही थी। ऐसे ही साउथ कोरिया, ब्राज़ील और स्पेन में भी फिल्म पर काफ़ी टाइम तक बैन लगा रहा। साल 1975 में फ्रांसिस्को फ्रेंको की तानाशाही में फिल्म को वालाडोलिड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था।
फिल्म की एक स्क्रीनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वालाडोलिड में होने वाली थी। हालांकि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के चलते ऐसा नहीं हो सका। प्रोटेस्ट के चलते यूनिवर्सिटी 2 महीने तक बंद रही। फिल्म साल 2000 तक माल्टा में भी बैन रही थी। फिल्म भले ही हत्याओं से जोड़े जाने पर विवादों में रही, लेकिन 44वीं ऑस्कर सेरेमनी में फिल्म को 4th कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। इसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग शामिल है। फिल्म एक क्लॉकवर्क और इन हिंसक फिल्मों के लिए एक मील का पत्थर है। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने 1998 में इस फिल्म को टॉप 100 फिल्मों की लिस्ट में 70वें स्थान पर जगह दी थी। वहीं फिल्म के लीड एक्टर मैल्कम द्वारा निभाया गया नेगेटिव रोल एलेक्स इस इंस्टीट्यूट के 100 बेहतरीन विलेन की लिस्ट में 12वें नंबर पर है। 2012 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के एक पोल में फिल्म को 75वीं रैंकिंग मिली थी। 2010 में टाइम्स मैगजीन ने फिल्म को 10 वायलेंट फिल्मों की लिस्ट में 7वीं जगह दी थी। द गार्जियन ने 25 बेहतरीन आर्ट हाउस फिल्मों की लिस्ट में अ क्लॉकवर्क ऑरेंज को 11वीं रेटिंग दी थी। तो ये थी आज की हमारी क्राइम कवरेज। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नई क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।